विमोचन
कहोगे तो बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको पर जानी कर कृपा कीजे। दर्शन अपना हरदम दीजे। नियमता सुनिताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको पुरुषों की वाले तुमको समर्थ सर्वसरस्मानीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, सबसे कथा बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया निहर से आज 12 दिसंबर 2013 सत्संग के माध्यम से आप सभी प्रेमी भाई बहन बच्चियों और बच्चियों का दर्शन का अवसर मिला, बड़ा ही अच्छा रहा है। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज, इसीलिए पहले के समय खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार के साथ ही साथ सत्संग का भी कार्यक्रम जगह जगह पर लोग आयोजित करने का लक्ष्य और उद्देश्य बनाए रखते थे। लोगों को सत्संग सुनवाते थे, सुनते थे। जब सत्संग लोगों को मिलता था तब लोगों में सच्चाई रूपी धर्म था, लोग सत्य बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते, उसकी बात पर विश्वास करते थे। मूंछ का एक बात निकाल करके गिरे में रख करके आदमी 50,000 रुपया कर्जा ले आता था, देने वाले को इतना विश्वास था कि हमारा पैसा ये समय पर वापस कर जाएगा, प्राण जाए बल बचन जाए। लोग दया करते थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते थे कि मालिक रहमान है, रहम करोगे तो रहमान मिलेगा, मुसल्लम ईमान रहमान। मुसलमान किसको कहते हैं जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो,
जिसके अंदर मुसलम धर्म कहते दया धर्म तन बसे शरीरा आकर रक्षा करें रबीरा दया धर्म दया को धर्म मानते थे। आप इस बात को समझे कि मलूक साहब ने लिखा कि मलूक सोई पीर है जो जाने पर पीर और जो पर पीर न जानिया सो काफिर देती वो काफिर है जो दूसरे के दर्द को नहीं समझता है। उन्होंने कहा कितना भी रोजाना माँ जदा कर कितना भी तीर्थ कर जाओ कितना भी मक्का मदीना हो जाओ केदारनाथ काशी अयोध्या सब जगह घूम करके आओ लेकिन अगर दया नहीं है तो सब बेकार। मक्का मदीना द्वारिका काशी और केदार और बिना दया सब झूठ है कहें मलूक विचार। तो दया भाव लोगों के अंदर में था, लोगों में सेवा भाव था। कोई दरवाजे पर आ जाता है तो अतिथि देवो भव कहते कि ये देवता ये मेहमान नहीं ये भगवान। इसी के यहाँ गाँव में कोई काम काज होता तो लोग उसके यहाँ तो इंतजाम कम लेकिन दूसरे लोग ज्यादा इंतजाम करते थे कि उसके यहाँ मेहमान आएंगे और रहकर जगह नहीं होगी तो हम अपने यहाँ रखेंगे और हम सेवा करेंगे। बिजली की चक्कियां जब नहीं थी तो हाथ से चक्की चला करके आटा पीस करके ये माताएं अगर किसी के यहाँ शादी होती तो ले जा करके देती थी। घी दूध मट्ठा ये सब इकट्ठा करके और ले जा करके लोग देते थे। लोगों के अंदर परोपकार की भावना थी। जब सत्संग मिलता था तब इंसान अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता। खाने का इंतजाम कपड़े का इंतजाम घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए बाल बच्चों को पाल पोष के पढ़ा कर रहे पढ़ा लिखा रहे कि दो रोटी कमा करके बुढ़ापे में लाएंगे खिलाएंगे शरीर को। शरीर के लिए ही आत्मा के लिए भी कुछ लोग करते थे। जब सत्संग मिलता था तब इस चीज की जानकारी लोगों को होती थी कि ये दुनिया ये संसार और ये दुनिया की चीजें ये अपनी कुछ नहीं ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। जब से सत्संग का मिलना लोगों को बंद हुआ तब से आदमी दुनिया के ही काम में लग गया है और इसी दुनिया को अपना समझ लिया और दुनिया के काम को ही अपना काम मान बैठा है। घर लोग बनाते हैं 10-12 साल तक बराबर मकान बनता रहता है लोगों को बुला बुला करके दिखाते हैं मेरा घर बन रहा है चलो देख लो। लोग आते देखते बड़ी तारीफ करते कितना बढ़िया सामान आप लाए कितना बढ़िया आप नक्शा बनवाए कैसे आपने दरवाजा लगाया खिड़की लगाया। कोई जानकार आदमी आ जाता वो समझाता कि इसको तोड़ करके यहाँ से दीवार कर दो इसको इसमें मिला दो और जगह निकल आएगी सुंदर लगेगा। अब तोड़ फोड़ भी कराया उसको भी सब सही करा लिया बढ़िया लेटरिन बाथरूम सब बना लिया रसोई घर बढ़िया बनाया और मोटा गद्दा है ला करके डाला है ये आराम से इस पर सोएंगे मोटे मोटे सोफे ला करके ड्राइंग रूम में रख लिया। जब मकान बन करके तैयार हो गया तो चिट्ठी लिख करके भेजा पत्रिका छपुआ करके निमंत्रण कार्ड भेजा कि हमारा गृह प्रवेश है हमारा मकान बन गया उसमें प्रवेश होगा आप सब लोग आइए आशीर्वाद दीजिए भोजन कीजिए। अब पूरी मिठाई खीर पकौड़ी सब बन गया व्यंजन और लोग खाए और वाह वाह करते तारीफ करते चले गए। सोचा कि अब तो मकान में प्रवेश हो गया अब रहना शुरू कर दिया जाए बस मकान में रहने लग गए। जैसे 15-20 दिन बीता बस इस सांसों की पूंजी के खत्म होने का समय आ गया। हर मानव इंसान को सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली। अब ये जरूर है जो इसको जैसा खर्च करता है वैसे ही यानी उसकी उम्र कम और ज्यादा होती है लेकिन खर्च तो सबकी होना ही होना है। यही कारण है एक शेख राजा महाराजा आए बड़े बड़े शेख साहूकार आए पंडित मुल्ला पुजारी मनुष्य शरीर में आए वैज्ञानिक ज्योतिषी मनुष्य शरीर में आए अवतार लेकर के लोग आए राम जैसे भगवान कृष्ण जैसे भगवान कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा जैसे संत मनुष्य शरीर में आए
और उनको भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। तो जब समय पूरा हो जाता है तो कोई भी हो सबको जाना पड़ता है। बस जैसे 15-20 दिन रहा, बस सांस खत्म होने का समय आ गया। तो ये समय आप सूरज को देखो, जैसे थोड़ी देर तक देखते रहोगे तो सूरज की किरणें आपकी आंखों की रोशनी को खींच लेगी। जब नीचे देखोगे तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे देखते रहोगे, कहोगे अंधे हो गए, इतनी तेज उसकी रोशनी। लेकिन शाम को जब ढलने का वक्त होता है सूरज के, तो देर तक ऐसे देखते रहो, तब ये अंदाजा लग जाता है कि सूरज की रोशनी कम हो गई। तो अब ये ढलेगा सूरज, यानी अंधेरा हो जाएगा, रात आ जाएगी, ये आभास हो जाता है। ऐसे जब शरीर छोड़ने का समय होता है तब हर आदमी डॉक्टर को बुला करके चेकअप तो कराता नहीं। गांव के अनपढ़ लोग ऐसे मरने वाले के पैर पर हाथ रखते हैं, कहते अरे भाई पैर तो ठंडा हो गया, ऐसे हाथ पर हाथ रख करके ऐसे छूते हैं, कहते अरे अब क्या है, जल्दी करो बाहर निकालो, हाथ पैर तो इनके ठंडे हो गए। बस वही परिवार से लोग उसी मकान से उसी मोटे कट्टे से उठा करके ले जाते हैं और दरवाजे के बाहर उत्तर से करके लटाते हैं कि जल्दी से छुटकारा पा जाए, क्योंकि आखिरी वक्त पर तकलीफ बहुत होती है। जो अपने मनुष्य शरीर के पाने का उद्देश्य नहीं समझते, कुछ आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं, सब शरीर के लिए ही करते रहते हैं, उनको जाते समय इस दुनिया से तकलीफ होती है। हड्डी हड्डी छटकती है, आंख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता। आप इस बात को समझो कि रूह को, ये रूह उन मलकुल मौत जिनको अंगार का दूध कहा गया, उनको देखते ही इतनी डर जाती है जैसे भेड़िया को देख करके बकरा डर करके भेड़िया के पीछे पीछे कर देता। बहुत से लोग गांव में रहते हो, गांव में एक इतना बड़ा जानवर होता है भेड़िया, बड़ा खूंखार होता है, मौका देख करके छोटे बच्चों को भी ऐसे उठाता है पकड़ के और फिर से लाश के फट से निकल जाता है। तो गांव में जब आता है वो भेड़िया रात को, तो बकरा जहाँ रहता है उसके बकरे के पास जाकर के कान में ऐसे धीरे से मार देता है। बस बकरा इतना डर जाता है कि भेड़िया के पीछे पीछे चल देता है, भेड़िया कुछ बोलेगा नहीं, वो बकरा के कान में धीरे से मारेगा और चुपचाप उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चल पड़ेगा। लेकिन वो बकरा इतना डर जाता है कि उसी भेड़िया के पीछे पीछे गाँव के बाहर तक चला जाता है। और जब गांव के बाहर एकांत में भेड़िया पहुंचा है, बस घूम करके बकरे के पीठ के ऊपर बैठ के और ऊपर में नस होती है गर्दन, उसी को दांत से दबा देता है बकरे के, बस वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश होकर के गिर जाता है तब उसका गला काटता है बकरे का भेड़िया और फिर घूम देता है। तो जैसे वो डर जाता है ऐसे ही जीवन में डर जाता है। साजो भाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, 7,000 जो डंक मारे लगता, जैसे 7,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मत के समय होता है। तो जब तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी छटकती है, काका चाचा नाना दादा मामा को मरने वाला चिल्लाता है बुलाता है, सब लोग कहते हैं प्राण पीड़ा होती है। जवान लड़का रिश्तेदार जिनको जिनको बुलाया, सब लोग सामने खड़े रहते हैं, दादा दादाजी बाबा जी पिताजी मामा जी काका जी साफ कह करके अपने पुकारते हैं, लेकिन वो किसी का तवज्जो नहीं देता है। सब लोग कहते भाई बड़ी तकलीफ, देखो ये चक्की भी निकल गई, पेशाब भी निकल गया, तो जल्दी से छुटकारा मिल जाए इसलिए उत्तर सिर करके लेटाओ। वैज्ञानिकों ने सोच दिया तो कहा कि शरीर में सेल होते हैं और उत्तर सिर करके लेटने में वो सेल डाउन हो जाते हैं। जैसे टॉर्च जलाते हो तो उसमें सेल रहता है,
अब वो जब कमजोर हो जाता है रोशनी कम हो जाती है, और सेल अगर खत्म हो गया तो वो ताप का जलना बंद हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं इसमें सेल होता है, और उत्तर से करोगे तो वो सेल डाउन हो जाए। बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि उत्तर से करके मत ले, तो पूछो क्यों, तो कहते हैं आयु कम हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी, तो उत्तर से करके लेटाए। पर थोड़ी ही देर के बाद गर्दन लटक गई, अब जब गर्दन लटकी तो चिल्लाने लगे लोग, रोने लगे, अपने अपने तौर तरीके से चिल्ला चिल्ला करके लोग रोते हैं। और पेट पकड़ कर माता रो, और बाँव पकड़ कर भाई, और पैर पकड़ कर छोड़त नहीं, रोए सहेली भाई सैया मत जा अकेले लाली सुनरिया होते। अब पड़ोस के लोग आ गए, लोगों ने कहा अरे भैया देखो देखो कोई जानकार आदमी है, तो ऐसे नाड़ी पकड़ा बस ऐसे हाथ हिला करके चला गया। कोई और जानकार आया, ऐसे पलकों को आगे पीछे किया और आंख को देखा और कहा क्या कुछ नहीं। पड़ोस के लोग गांव के लोग आ गए, अब लोग समझाने लगे परिवार वालों को, अरे अब रोने से क्या होगा, ये तो दुनिया की ही गति है, सबको जाना है, जो आए सब चले गए, राजा रंग फकीर सब चले गए, इनको भी जाने का समय हो गया, और तुम क्यों रोते हो, ये तो घर मकान भी बना दिए और लड़का लुटिया का ब्याह भी कर दिया, खेती गृहस्थी नौकरी सबको लगवा दिया काम धंधे ने, अब तो कमाओ और खाओ, और इनको भूलो, इनको जल्दी से ले जा करके जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। इतने आदमी यहाँ बैठे हो, और अभी किसी से कह दो ये तुम्हारा मिट्टी है तो कहेगा है इसको तुमने मिट्टी कह दिया, अरे गोबर भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, मिट्टी भरी हुई है, अंधे हो, यह सुंदर काया हीरा जैसी, और इसको तुमने मिट्टी कह दिया, मारेगा एक थप्पड़। और अगर कमजोर होगा अंदर अंदर गाली बकता हुआ जाएगा, मोतिया बिंद हो गया इनके आंख में, दिखाई नहीं पड़ता है, इसको मिट्टी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, लेकिन प्राण निकलने के बाद ये मिट्टी ही हो जाता है। पांचों नौबत बाजती हो छत्तीसों रात, जा मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे साथ, रास्ते में जा और थकावट आ गई, पेड़ के नीचे बैठ गए, नींद आ गई सो गए, पेड़ के ऊपर जो गिर और कौवा बैठे काटेंगे नहीं शरीर को, खाएंगे नहीं, लेकिन अगर प्राण निकल गया तो यह इसकी बदबू शरीर की हवा में से उन लोग जहाँ रहते हैं उनके नाक तक पहुँच जाती है, और बस उड़ पड़ते हैं, और फौरन उसी बदबू को सूंघते सूंघते पहुँच जाते हैं वहाँ, और फौरन यानी इसको खाने लग जाते हैं इस शरीर को, फिर यह मिट्टी ही हो जाता है। बस ले गए मिट्टी, इस मिट्टी को ले गए और जला करके राख कर दिया, हार जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, जैसे घास जलती है ऐसे ये बाल जल जाते हैं, जैसे लकड़ी चूल्हे में चट चट करके जलती है ऐसे ये हड्डियाँ जल करके राख हो जाती हैं। बस दो चार दिन पांच दिन दरवाजे पर लोग आएंगे, 12-13 रिश्तेदार नातेदार आए, 12-13 खा करके और फिर चले गए, कोई नाम लेवा नहीं रह गया। अब फोटो वो मकान जो इतने प्यार से बनाया, इतना दिल से बनाते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे, दिल दिमाग लगाए, पैसा लगाया, उस मकान में कौन रहेगा, लड़का अगर लायक हुआ तो। लायक कैसे बनता है, अच्छा खिलाया अच्छा पहनाया, और जब किताब लेकर के स्कूल पढ़ने के लिए गया तब ध्यान रखा कि स्कूल पहुंच रहा है कि नहीं, शाम को जब लौटा तब पूछा कि पढ़ाया क्या पढ़ाया और क्या यहाँ पढ़ने के लिए बताया, होमवर्क क्या दिया, उसको अगर देखा समझा और उस होमवर्क को कराया, उस समय अपने पास भी रखा, तौर तरीका तहजीब सिखाया, उठना बैठना उसको बोली वाणी सिखाई, तब तो लड़का लायक निकलता है, और वो लड़का फिर उस मकान में रहता है, जो मांगा वो खिलाया और जो मांगा वो पहनाया, और जब जब पैसा की जरूरत पड़ी उस वक्त पर पैसा बराबर देते रहे, पूछे भी नहीं क्या करेगा कहाँ खर्चा करेगा, तो वही लड़का है यानी उस पैसे का दुरुपयोग करता है।
जैसे जिद किया मोटरसाइकिल स्कूटर होना चाहिए, फौरन खरीद दिया और तेल का पैसा अलग से दिया, और ये नहीं देखा कि लेकर के स्कूल जा रहा है, घूमने जा रहा है, वही लड़का गलत बच्चों के हाथ में पड़ जाता है और वही नालायक निकल जाता है। तो वो उस मकान को क्या करता है, बेच देता है, और जो मकान को खरीदता है वो उसमें रहने लगता है। जिस मकान में मंदिर बनाया, मूर्ति लगाया, फोटो लगाया, साधन भजन जिस मकान में किया, जिसमें गुरु ग्रंथ का पाठ किया, पूजा उपासना जिसमें करते रहे, उसी मंदिर में वो अंडा फोड़ता है, मुर्गा काटता है, बकरा काटता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसी मकान में व्यभिचार करता है। अब सोचो वो मकान किसके लिए बनाया और वो मकान किसका हुआ है। कहते हैं 100 बीघा से जमीन कम होगी तो बौहरे नहीं कहेंगे, मालू साहब, हजूर साहब लोग नहीं कहेंगे, चौधरी साहब लोग नहीं कहेंगे, इसलिए 100 बीघा जमीन कम से कम होनी चाहिए, चाहे खरीद करके बनाओ, मार करके, काट करके, मुकदमेबाजी करके, जाली कागज लिखा करके, इतना तो होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, सामान भी सब होना चाहिए, खेती का बीज भी बढ़िया डाले, खाद लगाए, दवा लगाए, फसल तैयार हो गई, बहुत खुश हो गए, मेरी खेती में देखो कितनी बढ़िया फसल लगी हुई, आपकी बात तो सरसों 2 लाख रुपए का बेचूंगा। लेकिन जैसे यानी फसल तैयार हुई और खाने बेचने का समय आया, बस पिंजरे से पंछी उड़ गया। अब सोचो वो किसके लिए किया, दुकान बनाया, सामान उसमें भर दिया, और जब बिक्री होने लग गई, मुनाफा 5,000 रुपए रोज का होने लग गया, खाने का वक्त आया, समय पूरा हो गया, अब सोचो उसको कौन खाएगा, मार करके, काट करके, लूट करके ले आए, और धन जब इकट्ठा हो गया तब बोले अब चलो इसको विदेशी बैंक में जमा करें। बहाना क्या बनाते हैं कि दवा कराने के लिए जाना है, टेस्ट कराने के लिए जाना है, बस उसी बहाने गए और रुपया पैसा विदेशों में जमा कर दिया, घर में किसी को बता भी नहीं पाए, क्योंकि आदमी को अपनी मौत तो याद रहती नहीं है, बस वो तो यही सोचता है कि हमको कल के लिए ही सब करके जाना है, और कल आया तो फिर कल, कल 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 के लिए वो सब करता जाता है, उसको तो यह मालूम नहीं कि पानी के रब बुझा है, असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे पर भार। जैसे रात को देखो आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं, देखते ही देखते सुबह छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं। उस चीज का ज्ञान यानी कथा और भागवत में तो मिला नहीं, जब सत्संग मिलता है तब उस चीज की जानकारी होती है। तो सत्संग तो सुना नहीं, सत्संग में तो गए नहीं, महात्माओं के पास तो गए नहीं, इसलिए बस रुपया जमा करते जाओ, रुपया जमा करते जाओ, और बस आप उस बात को समझो कि बस समय पूरा हो गया, बस वो उसी बैंक में ही रह गया, विदेशी बैंक वालों का ही हो गया, दूसरे देश वालों का ही हो गया, देश में अब उसको कोई लाभ ही नहीं सकता। तो सोचो ये काम जो कर रहे किसके लिए कर रहे, अपने लिए कर रहे कि दूसरे के लिए कर रहे। अपना काम तो इस वक्त पर इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, अपना काम क्या है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश में फंसना, अपने घर चलो, अपने वतन चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मृत्यु लोक है, इसको छोड़ करके जाना है, यहाँ के सारी चीजों को छोड़ करके जाना है, इसलिए कुछ वहाँ के लिए भी करो, शरीर के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते ही वहाँ के लिए काम हो सकता है, इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँचाया जा सकता है, इस शरीर के अंदर ही देवी और देवताओं का दर्शन होता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद मिलता है, पितृ पितामह लोगों की सैर होती है, अनाहत वेद वाणी जो 2400 घंटे हो रही वो इसी मनुष्य शरीर में मनुष्य मंदिर के अंदर अनुष नहीं पड़ती है। जब देवी मिल जाते हैं, कोई रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं, तो आज तक जिसको वो मालिक मिला इसी मनुष्य शरीर में मिला, और घर छोड़ करके जो जंगल में गया भगवान उसको नहीं मिला, मिला तो गृहस्थ आश्रम में ही ज्यादातर लोगों को मिला, इसलिए
अन्य किसी गृहस्थ आश्रम में ली, कुछ वहां के लिए करना चाहिए। और जिसने उस इस मनुष्य मंदिर में उस मालिक का दर्शन किया, जिसने उस मालिक को देखा, लिख दिया, क्या कहा कबीर साहब, जो तेल माही तेल है, जो चकमक मिया तेरा साई तुझ में जान सकर सो जान, और कस्तूरी कुंडल बस है, मृग रू है बनमान, ऐसे घट घट गाँव है, दुनिया देखत ना है। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में, ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदो से पूछो, दिल के आसन इसी में मिलता है, इसी में मिला है। अब है अगर इसमें तो मिलता क्यों नहीं, यदि उसने कहा ये एक दिल लाखों तमन्ना, दिल तो एक है लेकिन ख्वाहिशें बहुत हैं। एक बीघा जमीन 10 बीघा हो जाए, एक मकान है 4 मकान हो जाए, एक गाड़ी है 2 गाड़ी हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, करोड़ है तो अरब खरब हो जाए, और अरब खरब है तो कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए, तो हरिश बहुत बढ़ गई। तो अब कहाँ उसको बिठाने की जगह है, तब तो कहा दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अरे थोड़ी देर के लिए तो ध्यान दुनिया की तरफ से हटा और उस मालिक की तरफ लगा, जगह तो तू बना उसको बैठने के लिए, उजरे को तो तू साफ कर, शरीर गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, साबुन पानी से धो लो, लेकिन वो उजरा जिस पर वो बैठता है उस सिंहासन को कौन से गंगा जल यमुना जल से धोगे, वो तो किसी भी जल से नहीं धो सकता, वो तो सतगुरु के पास जो जल है उससे धोता है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई, वो बहुत पुरानी अचल सतगुरु के आधार वह जहां निर्मल पानी, उनके पास चलो और उनसे सफाई कराओ, उनसे धुलाओ, वो जरा साफ हो जाएगा तो वो बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा, जब वो मालिक में जाएगा तो उसी की बनाई हुई ये सारी दुनिया, ये सारी खिलकत उसी मालिक की ही बनाई हुई है, इसलिए तुमको पास पेट के लिए फिर गुनाह करने की गलती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमानी और हर प्रताप का जो लगना है। तो जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला वो काम करना जरूरी है, तो गुरु महाराज ने वो रास्ता बताया, गुरु महाराज ने रास्ता भी बताया और रास्ते पर लोगों को चढ़ाया है, और कितने लोगों को इस दुनिया संसार से पार भी कर दिया, अब उनको इस दुख के संसार में आना ही नहीं है, वो पार हो गए, ये दुखों का संसार है। यहाँ कोई सुखी है, यहाँ जिसके पास नहीं है कहता मैं धनी मानी हो जाता, रुपये पैसा हो जाता मैं सुखी हो जाता, वो तो रो ही रहा है गरीब आदमी, और जिसके पास ज्यादा है वो और परेशान है, उसको रात को 2 बजे नींद की गोली खानी पड़ती है तब नींद आती है, कहता रुपया कहाँ जमा करें, कौन से बैंक में, कौन सी जमीन में गाड़े, क्या करें, चोर ना ले जाएं, डकैत ना ले जाएं, इनकम टैक्स है टैक्स वाले ना ले जाएं, वो परेशान रहता है, नींद की गोली खाता है तब नींद आती है। इसके लड़के नहीं कहते, एक लड़का कहीं से हो जाता है, आदमी औरत औलाद के लिए परेशान, कुछ भी करने को तैयार, लेकिन जिनके 4 लड़के हैं कहते मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे। आपके घर के बगल में जब कोई गरीब आदमी लड़ता है अनपढ़ आदमी, और भाई भाई को गाली देता है, अल्लाह खल्ला करके जो खड़ेता है, और वो भी गाली बकता हुआ और भागता है, और यदि गाली देता हुआ उसको खड़ेता है, तब कहते हो अनपढ़ है ना, ये गंवार, इनको अकल नहीं, देखो भाई भाई के लिए जंगल चला गया था राम के साथ लक्ष्मण, और ये देखो भाई भाई, ये अनपढ़ गंवार होने के नाते यानी लड़ रहे एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे। बड़े घरों में ऐसा नहीं होगा, बड़े घरों में बड़ा प्रेम होगा, लेकिन जब अखबार में पढ़ते हो और टीवी में देखते हो कि भाई ने अपने ही रिवॉल्वर से अपने ही कनपट्टी में गोली मार लिया है, और सुसाइड नोट में ये लिखा कि घर के टेंशन से भाई के छपाने की वजह से मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, तब पता चलता है कि बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े घरों में भी अशांति है, शांति नहीं है,
बगल में आपके सास और बहू जब लड़ती हैं और एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देती हैं, तब कहते हो अनपढ़ दवार हैं। बड़े घरों में जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी सास और बहू होंगी, बड़े प्रेम से रहती हूँ। अरे वो अंग्रेजी में एक दूसरे को गाली देती हैं, अंग्रेजी में पढ़ी लिखी सास और बहू। अब आप इस बात को समझो कि जो जमाना बदल गया और जमाने के साथ ना चलने की वजह से ऐसा हो रहा है। कहा पुरुष बलि नहीं होत, समय होत बलवान, हिलन लूटी होत का वह अर्जुन वहवान। समय की बात होती है, इस वक्त पर ठंडी है और आपके यहाँ कोई मेहमान शाम को आवे और गरम गरम पानी करके उसका पैर धो दो और सुबह जब उठाए तब कहो कि मैं गर्म पानी से आपको नहलाऊंगा साबुन लगा करके, और गर्म गर्म पानी डाल करके नहलाओगे बहुत खुश हो जाएगा, कहेगा बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। लेकिन यही गर्म पानी जब मई जून के महीने में आवे और उसके ऊपर अगर कहीं डाल दिया तो दोबारा कान पकड़ लेगा, कहेगा उनके हम नहीं जाएंगे। समय की बात होती है, 40 साल पहले और समय था और अब और समय। आप देखो कि बहू लड़की पर घर लाई और आंखों में पलक के लाई, जैसे पलकों जैसे पलकें आंखों को बचा करके रखती हैं, रक्षा करती हैं इनकी। हवा तेज चली आंख में लगने को हुआ पलक बंद, धूल उड़ी और आंखों में पड़ने को हुआ पलक बंद, धूप अगर सूरज की तरफ ऐसे आंख हो गई और सूरज की किरणें पड़ी आंखों में पड़ने को हुई तो पलकें बंद हो जाती, रक्षा करती है, संभाल करके रखती है। ऐसे ही दूसरे के घर की लड़की को जब अपने घर में बहू बना करके लाते थे तो बड़े लाड़ और प्यार से लोग रखते थे, लड़की की तरह से प्यार देते थे। लेकिन अब जैसे बहू घर में आई बस सास यही सोचने लगती है कि 40 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तब क्या था, मिट्टी का घर था, कुएं से पानी भर के लाती, हाथ की चक्की चला करके आटा पीस करके मिट्टी के चूल्हे पर और रोटी सेक करके अन्न खिलाती थी, लकड़ी गीली फूकते फूकते आंख से आंसू निकलता था, आग बुझ जाए तो दूसरे के घर से मांग के लाती थी, माचिस नहीं दे सलाई नहीं। सोचती है सास कि मुगली से पीट पीट करके कपड़ा धोया, जानवरों को भी देखा और बच्चों को भी संभाला और शाम को 1 घंटे सास का पैर दबाने के बाद देर रात से सेवा करके खुश होने के लिए जाती थी। लेकिन ये बहू आई, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती है, बस उसका उसकी वो शुरू से ही है देखने लगती है क्या करती है और क्या नहीं करती है और कितना खाती है और कितनी देर तक सोती है, यही सब वो देखने लगती है, यही सब देखने लगती है। और अंदर अंदर बस गुबार उठता रहता है, बस एक दिन वो गुबार छोड़ता है और तीर की तरह से बहू के अन्य जिगर में जा करके लगता है। कहते हैं लठ से मार दो उतना चोट नहीं लगता है जितना दांत से मारने पर लग जाता है, जख्म हो जाता है। अब जब वो तीर लगी बातों की तो वो बहुत भीड़ से कंठी से ऐसे किनारे आंखों से देखने लग गई, बस दोनों में टेंशन पैदा हो गया, टेंशन पैदा हो गया। अब वो टेंशन कहाँ तक जाता है, दहेज का मुकदमा चलता है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। अब आप इस बात को समझो, जितने सास आप लोग यहाँ पर बैठी हो, सेट करने की जरूरत होती है, सेट करने की। अब वो जो जमाना पहले वाला नहीं रहा, अब तो वो चूल्हा चक्की सब सामान मायके से लेकर के ही आई है। अब कौन चूल्हा मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाना पसंद करती है बहू जो आती है, वो तो गैस का चूल्हा वहीं से लाई। और ऐसे ऐसे गैस के चूल्हे चल रहे कि जिसमें माचिस लाइटर भी नहीं लगाना पड़ता, उसी में बटन लगा रहता है, लाइटर फिट रहता है, बस ऐसे घुमाओ चूल्हा जल गया। बिजली के चूल्हे चल गए, बटन दबाओ और चूल्हा चालू जला हुआ है, हाथ रखोगे नहीं जलेगा, बर्तन रख दोगे गर्म हो जाएगा, कालिख भी उसमें नहीं लगती। अब तो टोटी घुमाना भी नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे नल चल गए कि टोटी के नीचे ऐसे हाथ लगाओ
बर्तनों से लेकर के जाओ और पानी गिरने लगता है, और जैसे हाथ हटाओगे बंद हो जाएगा। हवाई अड्डों पर ऐसे लगे हुए, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में इसी तरह के नल लगे हुए, ऐसे ऐसे नल चल रहे। तो आप रोटी भी हाथ से नहीं घुमानी है। अब आप इस बात को समझो, कोई हाथ की चक्की चलाता, हालांकि हाथ की चक्की चलाने से शरीर का व्यायाम हो जाता था, इतने रोग नहीं होते थे जितना रोग इस वक्त पर है। जब पैर से खेती कूदती और हाथ से चक्की चलाती तो बहुत ये शरीर स्वस्थ रहता था। देखो नंगे पैर लोग जब चलते थे तो ये रोड़े और ये घास और ये सब चीजें जब इसमें तलवे में लगती थी तो इसमें पॉइंट होते हैं शरीर को, रोगी ये पॉइंट रोग का पता पॉइंट में चल जाता है, और इन पॉइंटों के दबाने से रोग हटते हैं, आराम मिलता है। वह इसीलिए लोग रात को दबवाते थे कि थकावट दूर हो जाए, चल करके आए 2-3-4 कोस। इस वक्त जैसे गाड़ी मोटर का साधन है उस वक्त पर नहीं था, तो ऐसे पैर दबवा लेते थे, एक दूसरे का भी दबा देते थे। लड़के अगर छोटे लोग न मिले, भाई भाई एक दूसरे का दबा देता था कि जिससे आराम मिल जाता है। इसमें यानी हाथ में और पैर में ये सब शरीर को स्वस्थ रखने के पॉइंट यानी होते हैं। बूढ़े लोग देखो जाते हैं मंदिरों में वैसे ताली बजा बजा करके, और सीताराम सीताराम राधेश्याम राधेश्याम ले जाओ, देखो आपके तीर्थ स्थानों पर वो बूढ़े ऐसे ही अपने खाने को पचा लेते हैं। ये पॉइंट सब दर्द जाते हैं, इसमें चोट पड़ता है, तो चक्की चलाते चलाते यानी बच्चे पैदा हो जाते थे औरतों से, और कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता था। पूरा इस शरीर का यानी फंक्शन जिसको कहते हैं संचालन बिल्कुल सही रहता था शरीर का। लेकिन अब चक्की को चलाता है, अब तो बस बटन दबाओ बिजली का और ऊपर डाल दो गेहूँ, नीचे आटा निकला तैयार, धान ऊपर डाल दो नीचे चावल निकला तैयार। आप कोई मुगले से पीट के कपड़ा धोना पसंद करता है? अरे बटन दबाओ वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोला तैयार। तो वो तो यह सब सामान मायके से ही बहू लेकर के आई, तो अब वो आप जैसा काम कैसे करेगी? और अब तो वो खाना पीना भी नहीं रहा, आपने तो 1 रुपए का 2 किलो घी खाया और उसको 2 छटाक भी नसीब नहीं हो रहा, तो आपको तो सेट करने की जरूरत है। अभी जो साथ बैठी है ये अंदर अंदर नाराज होने लगी हमसे, देखो हमारा सब तोल खोल दे रहे हैं। तो बहुओं की क्या हालत हो गई अभी बता दो। बहू जैसे घर में आती बस यही देखने लगती है कि सासू माँ रुपया पैसा रखती कहाँ, कौन सी तिजोरी में कौन सी अलमारी, उसकी चाबी मुझे मिल जाती, मैं घर की मालकिन बन जाती, करना न पड़ता कुछ और मालकाना मुझको मिल जाता। और वो इसी में अपना पढ़ाई लिखाई दिल दिमाग सब लगा देती है, बस यही सोचती रहती है कि ऐसा हिसाब बन जाए, ऐसा समीकरण फिट हो जाए गणित कि सास और ससुर में झगड़ा हो जाए और वो चाबी छीन करके और मेरे सामने किसी दिन फेंक दे और कह दें अब ये बहू देखेगी, अब तुम 7 साल के ऊपर हो गई, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, अब तुम चलो रिटायर हो गई, अब तुम बैठे खाओ, ये इसकी मालकिन बन जाएगी। तो सब पूरा दिल दिमाग उसी में लगा देती, तो सास कितना ही अनपढ़ क्यों न हो लेकिन उसको जीवन का बड़ा अनुभव होता है, वो नजर पहचान जाती है कैसी है। आप देखो किसी लड़की को MBBS MS करा दो यानी डॉक्टरी पढ़ा दो, तो वो कितने औरतों के बच्चे तो पैदा कर देगी, करा देगी, जरूरत पड़ेगी तो पेट फाड़ करके निकाल देगी, उसको तरीका सब मालूम है। लेकिन उसके बच्चे का जब समय आएगा तब उसको उसी अनपढ़ सास की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब भी लोग शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि घर में सास और ननद है कि नहीं, गाढ़े वक्त पर मेरी बेटी के यानी कोई काम आने वाला घर में बुजुर्ग है कि नहीं है, तो जीवन का बड़ा अनुभव होता है, तो वो साफ पहचान जाती है, उसको भांप जाती है। एक बुढ़िया अपनी लड़की जवान लड़की को लेकर के जा रही थी गांव की सीधी साधी, एक
घोड़े पर चढ़ करके उधर से आदमी निकला। लड़की थक चुकी थी, रोने लग गई थी कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, तो उसी वक्त पर वो घोड़े को लेकर के घोड़े पर चढ़ करके निकला। औरत ने कहा बुढ़िया ने कि भैया हमारी बेटी को बिठा लो, आगे गांव में उतार देना। आप उसने कहा है बुढ़िया कहीं कोई दूर जाने के बाद सोचा है, जवान लड़की है, सुंदर है, और बैठा लो ले चलो। कौन किसको देखता, कौन पूछता कहाँ गया क्या हुआ। बस लौट करके आया घूम करके और कहा माता जी, वही जो कहा हट बुढ़िया, वो था बोला माता जी लाओ बेटी को अपने बिठा दो, आप जहाँ कहोगी या जहाँ कहेगी आगे गांव में छोड़ दूंगा। बुढ़िया ने कहा जा जा जा, जब तेरे को बताया वो मेरे को भी बता गया, मैं समझ गया तेरी नीयत, जा तू, तेरे साथ तो सपने में भी कभी बेटी को नहीं बिठाऊंगी। ऐसे ही बड़ा अनुभव होता है। अब वही सास यानी जब बहू की नीयत को पहचान जाती है तो जो सास एक घंटा अपने सास का रात को पैर दबाने के बाद सोने के लिए जाती थी, अपने बहू से पैर दबवाने में डरती है कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबाते। तो अब आप इस बात को समझो कि अगर छोटा बन जाएंगे, अगर प्यार से रहना चाहेंगे, प्यार से रहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक दहेज का मुकदमा न चले और घर में कोई टेंशन कोई झगड़ा झंझट ना हो तो छोटा बन जाओ। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक फूल। नारद को देखो, नारद को लोग कहते थे बड़े खिलाड़ी, क्योंकि झगड़ा लगाने में बहुत माहिर थे, वो झगड़ा लगा करके और लड़ाई करा देते थे। तो नारद एक दिन घूमते हुए जा रहे थे तो लड़के मिल गए गांव के और प्रणाम किए। अरे बोले प्रभु आपकी तो बड़ी महिमा है, आप तो क्या से क्या कर सकते हो। अरे बोले तुम गांव तो बताओ। बोले हमारे गांव में एक रहता है परिवार, दो ही लोग हैं, आज तक कभी उनमें झगड़ा नहीं हुआ। बोले अभी करा देता हूँ। वे घर में पहुंचे, बोले कहाँ गया सेठ, दुकान पर गए। अरे तेरा सेठ ऐसे ही है, बेकार आदमी निकला। अरे तेरा तो कोई ध्यान नहीं रखता। अरे बोले बहुत ध्यान रखते हैं। अरे क्या ध्यान रखते हैं, कोई ध्यान नहीं रखते हैं, वो तो बस ऐसे ही रात को देर से आते ही इधर उधर घूमते हो, तुझको तो बस खाली नौकरानी की तरह रखते हैं, कुछ नहीं, बस जब देखो तब वही पैसा है, पैसा है, पैसा सब कुछ होता है, कुछ नहीं, कोई ज्ञान होगा तेरे साथ। अरे नहीं, बड़े देवता हैं, मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, और भगवान करे सबको ऐसा पति मिले। आप प्रभु ऐसा क्यों कहते हो नारद महाराज, आप क्यों ऐसा कहते। अरे मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि वो पिछले जन्म का नमक का व्यापारी था, तो उसका पूरा दिल दिमाग बिल्कुल नमकीन हो गया। देव कभी कभी गुस्सा करता होगा तो अंदर अंदर ऐसा पड़ता होगा, तो गुस्सा तो कभी कभी सबको आता ही, कोई मुझसे बोल देता है और कोई अंदर अंदर में इसे रख लेता है, संभाल लेता है अपने को, लेकिन गुस्सा तो कभी न किसी बात पर आ ही जाती है आदमी, उसका तो यह स्वाभाविक गुण है। और उसने सोचा हाँ बोलते तो नहीं है लेकिन अंदर अंदर बोले, यही तो बात, अंदर अंदर तो करते हैं और अंदर अंदर तो उससे बड़ा घृणा करते हैं, घृणा करते हैं तुमसे, क्योंकि उसका दिल दिमाग और बदन वो सब नमकीन हो गया, एकदम नमकीन हो गया। और तुझको अगर विश्वास ना हो तो तू आज रात को चाट करके देख लेना, उसका बदन बिल्कुल नमकीन है, और जैसा नमकीन है वैसा दिल दिमाग उसका हो गया, जितना कहकर चले गए। और वो सोचने लगी कि नारद जी कोई बात कह करके गए, ऋषि हैं, योग ऋषि हैं, तो जरूर कोई बात होगी। अब जब वहां पहुंचे दुकान पर गए तो अब हाल चाल किया, बोले औरत तुम्हारी बिल्कुल बेकार, देखो तुम्हारा चेहरा देखो कैसा हो गया, दुबले हो गए, खाने पीने का इंतजाम नहीं, कोई कुछ नहीं, और तुम जब चले आते हो तब सब बनाती खाती है, और चटोरी उसका जीव है क्योंकि वो है कुतिया पिछले जन्म की, इसलिए वो चाटती रहती है। अरे बोले नहीं नहीं ऐसा मत कहो,
वो तो लक्ष्मी है घर की और बहुत मानती है, बहुत सेवा करती है, लक्ष्मी है घर। अरे बोले क्या लक्ष्मी, जब तुम रात को सो जाते हो तो तुम्हारा वो बदन चाटती है, कुतिया कुतिया उसकी चाटने की आदत बन गई, और नहीं होगा तो आज रात को देख लेना। और ये गए काफी करके और नाक धीरे से बुलाए कि देखें चाटती है कि नहीं, और उसने सोचा देखें इनका बदन नमकीन है कि नहीं। बस कैसे चाटा कैसे, इन्होंने एक चाटा दिया था तो काकुतिया कहीं थी, उसने कहा लड़िया कहीं था, काकुतिया कहीं थी। और लड़के लगे हुए चाहते बोले बारे नारे जी खूब लड़ाया। फिर दो चार दिन के बाद जब लौट करके नारे जी जा रहे थे, बोले प्रभु आपकी महिमा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, प्रभु आपने तो कोई आवाज नहीं सुना घर के बाहर उन दोनों की, और देखो आप जिस दिन कहे उसी दिन सब मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के और देखने लग गए भाई इनके यहाँ कैसे झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई। तो प्रभु एक सास और बहू ऐसे रहती उनमें भी कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो उनमें भी प्रभु दया हो जाए आपकी, उनके लिए भी मालूम हो जाए लोगों को हाँ इनके यहाँ भी यानी कि मैं रहते हैं लोग रहते हैं ऐसे लड़ने भिड़ने वाले। बोले अच्छा अभी जाता हूँ। लेकिन नारद की जो दृष्टि खुली हुई थी वो एक जगह बैठ करके दूसरी जगह का भी देख लेते थे, तो उन्होंने देखा कि सास नीचे खड़ी है और बहू नसैनी पर सीढ़ी पर चढ़ करके अचार का मटका उतार रही है ऊपर से। तो नारद ने कहा मौका अच्छा है, बस गांव को भेजा और कहा जा मटका ढकेले, मटका जहां नीचे गिरेगा तब कुत्ते की तरह लड़ेगी दोनों। अब वो गाड़ गया और ढकेल दिया मटका, मटका नीचे गिर गया। तो सास कहती है बेटी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं इसको पकड़ नहीं पाई। और बहू कहती माताजी मुझे माफ कर दो, नुकसान हो गया मेरी वजह से, मैं आपको पकड़ा नहीं पाई। अब वो अपनी गलती और ये अपनी गलती दोनों हाथ जोड़े एक दूसरे के सामने खड़े। और नारद पूछे सोचे अब क्या करें, नारद दरवाजे पर खड़े, आखिर में नारद भी हाथ जोड़ दिए, बोले मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अब तुम्हारे सामने मेरा कोई बानक नहीं लगेगा। तो ऐसे धूप घास होती है, कभी भी देखो ये धूप यानी जलती नहीं है और घास जल जात है और धूप खूब की खूब। नानक जी ने कहा कि नानक नन्हे हुए रहो जैसे घास में धूप, और घास जल जाएंगी और धूप खूब की खूब। इसलिए थोड़ा सेट करने की जरूरत होती है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो तो अभी कोई झगड़ा झंझट नहीं। तो कहने का मतलब ये दुखों का संसार, और जो लोग इस संसार से निकल गए अपने धाम पहुंच गए, गुरु महाराज ने जिनको पहुंचा दिया, अब वो फिर मृत लोक में आने वाले नहीं हैं। गुरु महाराज ने अंतर में भी मदद किया, मन से कहा था तुम साधना करो और तुमको अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मदद किया उन्होंने। क्योंकि अंदर में फंसाव बहुत ज्यादा है, अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगी को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग कर तो गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे फंस गए। लेकिन गुरु महाराज ने पहुंचाया बहुत सखियों को, बाहर से भी उन्होंने मदद किया, जय गुरुदेव नाम जगा करके उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए छोड़ा और कहा जब मुसीबत आवे जब तकलीफ आवे जय गुरुदेव नाम बोलोगे फायदा मिलेगा। बीमार हो गए बुखार चढ़ा हुआ है दवा नहीं फायदा कर रही, 10 बार जय गुरुदेव बोल करके दवा पिलाए और ओढ़ा करके लेटा दिए, 2 घंटे के बाद जैसे बुखार कम हो गया उतर गया। रास्ते में जा रहे हैं मधुमक्खियां छेदने लगी, तो जब मधुमक्खियां छेदने लगती हैं तब बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती है, और जब वो छेदती हैं तो उनका कांटा शरीर के अंदर रह जाता है और दूसरा कांटा फिर जम जाता है। 4 मक्खी अगर आधे घंटे तक किसी को लग जाए तो जानलेवा हो जाती है। तो जब उसने गुहार किया और लोगों ने देखा भाई कौन है क्या आवाज लगा रहा है, चलो मदद की जरूरत है, लेकिन जब नजदीक पहुंचे तो देखे कि अरे मक्खी लगी हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए खुद भागते हैं।
कहते हैं जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी लोग बुझाते हैं, दूसरे की कौन बुझाता है। इसलिए जब देखा कोई सहारा नहीं है, जय गुरुदेव बोला, बस हवा चली और ऐसे भूमि और धूल उड़ी, आंखों में मधुमक्खियों के पड़ी, मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। धूल से और धुएं से मधुमक्खी छोड़ करके भाग जाती है। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, जिनके का भी सहारा नहीं है, जय गुरुदेव बोलते ही पानी की हिलोर आई और ले जाकर के किनारे लगा दिया और उनमें भर्ती होने के लिए गया। बस सीना छोटा हो गया, चुपचाप गया, उधर खड़ा हो गया, नापने नहीं सही निकला। अब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोल रहा है और गुरु महाराज को याद कर रहा है। बस आंखों से दया उतरी, आंखों से दया उतरी थी तो धनुष टूट गया था। धनुष यज्ञ जब किया राजा जनक ने, बड़े बड़े वीर बहादुरों को बुलाया, चले सब देवन से नाई अपने अपने देवताओं को याद करके धनुष को तोड़ने के लिए गए, लेकिन कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया। तब विश्वामित्र बैठे हुए थे और एक तरफ राम खड़े थे, दूसरी तरफ लक्ष्मण। जब राजा जनक ने सोच लिया वीर विहीन मही में जानी, अब इस धरती पर वीर नहीं रह गए, लगता है सीता कुंवारी रह जाएंगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन कहो तो इनसे धनुष को तोड़ने के लिए मैं कहूँ। उन्होंने कहा ठीक है करिए। तब क्या कहा उन्होंने, उठो राम बंजो भो चाकू और मेटो जनक शकल पे चाकू। उठो उठो मतलब उठाओ, खड़े हुए थे तब क्या उठो, बैठे होते तो उठते, उठो मतलब उठाओ, जीवात्मा की पूरी ताकत को लाओ भौंगों के बीच में यहाँ पर और यहाँ से चाको, यहाँ से ताकत लगाओ, धनुष को तोड़ो। जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई, इसका जो प्रकाश है यहाँ हृदय चक्र पर पड़ता है, यहाँ से परावर्तित होकर के नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र प्रसाद के मुकाम और गुदा चक्र पाखाने के मुकाम पर पड़ता है, जिससे ये चक्र चलते रहते हैं तो ये शरीर चलता रहता है। चक्र जब रुक जाते हैं स्थान शून्य हो जाता है, चक्र जब रुक जाते हैं प्राण जब निकलते हैं तो ये चक्र रुक जाते हैं, और फिर जब दसों प्रकार के प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है, तो ये तत्व सब नष्ट हो जाते हैं। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो पांच तत्वों से शरीर की रचना हुई है, ये तत्व सब नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें स्वर्ण और गरण पैदा होने लगती है। तो राम ने ऐसा ही किया, खींचा अपनी पूरी ताकत को और आंखों के बीच में यहाँ पर लाए, लेकिन धनुष नहीं टूटा। तब राम ने कहा सिवाय गुरु की दया के अब इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, तो गुरु ने प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाघव उठाए धन लेना। जब गुरु को प्रणाम किया तब उनके आंखों में ताकत आई, और जैसे गुरु की ताकत उनके राम की आंखों में आई, धनुष देखते ही टूट गया। छुअत उठावत है चटकारे, कोई छूते उठाते देखा ही नहीं, और धनुष टूटा पड़ा दिखाई पड़ा। तो जैसे उनकी आंखों में ताकत आई थी, ऐसे वो जो भर्ती होने के लिए गया था, गुरु की ताकत आंखों में जब आई और आंखों से ताकत नापने वाले के आंख में जब पहुंची, तब यानी जब नापने वाले के आंखों में पहुंची, तब उसने कहा अब क्यों खड़ा है, जा दूध घी खाना, बाड़ी बना के आना दोबारा, अभी तो तू है तेरा सीना ही छोटा हो गया। ये कुछ नहीं बोला, ऐसे देखता ही रहा, ऐसे देखता ही रहा, देखता रहा। फिर बोला बोल कुछ कहना चाहता है, हाँ कहना चाहे, बोल बोल क्या कहना चाहता है, एक बार हमको फिर से नाप लिया जाए। बोला अच्छा ठीक है, इनको नाप ले तब तेरे को नाप करके दिखा दूंगा कि तेरा सीना छोटा है, नहीं विश्वास है तुझको। अब नाप लिया सबको, नापने के बाद जब गया दोबारा न पाया तो बिल्कुल सही निकला। अब वो नापने वाला फीता आगे पीछे कर रहा है, देख रहा है कि पहले गलती हुई कि अब गलती हुई, दोबारा नापा तो सही निकला, कागज पर ओके लिख दिया, दस्तक कर दिया, कहा जा तौल करा दे। जब तौल कराने के लिए गया तो तौल में कम हो गया, जब तक वो कागज पर कुछ लिखता पड़ता तब तक चलो 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 हटो हटो, अब कोई नाप तौल नहीं होगा, अब चलो कल आना, अब समय हो गया, साहब का आदेश हो गया, चलो 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 समय हो गया, अब नहीं होगा। अब बेचारा गया, सोचा कि स्वर्ग से गिरे तो खजूर पर अटक गए, जमीन तक नहीं पहुंच पाए,
एक तरफ तो नपाई में सही हो गए लेकिन तोड़ में निकाल दिए गए तो फायदा क्या हुआ है। अरे गुरु महाराज इसमें भी दया कर दो, इसमें भी दया कर दो, सोचा और क्या, और रात भर में कितना बढ़ जाएगा, कल अगर दोबारा फिर जाऊं तो रात भर में कितना बढ़ जाएगा, हो नहीं सकता है। और सिवाय गुरु की दया कोई चमत्कार हो तभी हो सकता है। जय गुरुदेव बोलता रहा और उधर धर्मशाले में ठहरा था, रास्ते में पुलिया थी उसी पर बैठ करके सोच रहा था कि 3 बीघा जमीन और माँ विधवा भाई छोटा कैसे होगा, कैसे जिंदगी कटेगी, क्या होगा। तब तक एक बूढ़ा आदमी आया, बोला यहाँ क्यों बैठे हो, कहाँ से आए हो, क्या है, सब बात बताया। तब बूढ़े ने कहा देख तुझको मैं अकल बता देता हूँ, जब तू धर्मशाले से कल तौल कराने के लिए जाने लगना तो केला खरीद लेना 1.5-2 दर्जन और एक एक केला खाते हुए जहाँ तौल होगा वहाँ तक चले जाना, और जब तौल कराने को होगा तो भर पेट पानी पीना, जितना भी 1.5-2 लीटर जितना पी सको खूब भर पेट पानी पी लेना और उसके बाद तौल करा लेना। उसने ऐसा ही किया और तौल में सही हो गया, नौकरी भी किया। कोई तो जानना चाहोगे पता बता दूंगा, मालूम कर लेना। तो इस तरह से आप समझो कि गुरु महाराज ने जो ये जय गुरुदेव ना या दया जो बरसाई उसका बहुत लोगों ने लाभ लिया। गुरु महाराज ने कहा मौत के समय पीड़ा हो, दर्द हो, तकलीफ हो, जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा। एक ही समय पर 1,000 आदमी बोले, 1,00,000 बोले, 1 आदमी बोला, लेकिन सबको मिले। बहुत से लोग बता करके गए कि बाबा जी आ गए और यमराज के दूत हट गए और यमराज के दूतों से उन्होंने बचा लिया। किसी ने कहा उनकी गोदी में हूँ, किसी ने कहा उनके बगल खड़ा हूँ, तरह तरह की बात बता करते गए। मौत के समय का आदमी, मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है, सही बात उसने बताया। तो ये जय गुरुदेव नाम है। आप सोचोगे कि बाबा जी चले गए तो इस जय गुरुदेव नाम की ताकत भी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं। आप कभी भी कहीं भी जय गुरुदेव नाम को बोल करके आप अपने जान माल की रक्षा कर सकते हो। जब तक कोई दूसरा नाम नहीं उतरेगा तब तक इस नाम में ताकत रहेगी और इसी नाम को आगे करके देश विदेश में गुरु महाराज के नाम को पहुंचाया जाएगा, इनके मिशन को पहुंचाया जाएगा। तो ये बाहर से भी संभाल और अंदर से भी संभाल किए। गुरु महाराज ने जितनी भी बातें मंच से कही सत्य हो गई, थोड़ी बहुत जो बाकी है वो भी सत्य हो जाएगी। अब ये जरूर है कि सूरज निकला है और अगर काला रंग का चश्मा लगाओ तो सूरज काला दिखाई पड़ेगा, नीला दिखाई पड़ेगा नीला रंग का लगाओगे, लेकिन सूरज तो है सत्य। जब भ्रम किसी को हो जाता है तो वो भ्रम में परेशान हो जाता है। एक बाबूजी ट्रेन में बैठ के जा रहे थे रिटायर आदमी से, तो अखबार पढ़े ऐसे देखें इसे झटके 4-5 बार देखते ही जब झटके तब सामने जो बैठा हुआ था बोला बाबूजी आपको कोई समाचार अखबार का नहीं पसंद है तो अब आप मत पढ़ो, इतना गुस्से में क्यों झटक रहे हो। बोले भाई गुस्से में झटक नहीं रहा हूँ, इस पर ये जो चींटी लसी हुई है ये नहीं गिर रही है, उसको मैं झटक के गिरा रहा हूँ। सामने वाले ने सोचा कि इतना झटकने के बाद चींटी अखबार से नीचे नहीं गिरी तो कौन सा फेविकोल तारकोल लगा करके इसमें फेंक कर दिया प्रेस वालों ने, कौन से नट बोल्ट से चींटी कर दिया भैया, इतना झटकने के बाद भी चींटी नहीं गिर रही है। तब कहा बाबू जी जरा अखबार दीजिए मैं देखूं। देखा तो अखबार में तो कहीं चींटी नहीं। जब बाबू जी के चश्मे की तरफ देखा कहा अरे बाबू जी चींटी तो आपके चश्मे के शीशे में लसी हुई और आपको अखबार में ऐसे दिखाई पड़ रही, आप चश्मा साफ करिए फिर चींटी निकल जाएगी। ऐसे ही भ्रम लोगों को जब हो जाता है तो फिर वो परेशान रहते हैं। आवाज इस बात को समझो, कुछ लोगों को भ्रम हो गया, लोग कह रहे बाबा जी ने कहा था मैं 400 साल तक जिंदा रहूंगा और मैं सतयुग लाऊंगा। अरे तो सतयुग तो वो लाएंगे, सतयुग वो लाएंगे। गुरु तो एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है। गुरु किसी भी शरीर में रह करके वो अपना पावर शक्ति काम करती है। यही कारण है देखो कि पंजाब में अन्य 10 गुरु हुए, कभी इनमें वो पावर आई
कभी उनमें आई, कभी कबीर साहब में आई, कभी पलटू में आई, कभी नानक में आई, वो एक शक्ति होती है। ये जरूर है कि जीवों को जिनको वो पकड़ते हैं उनको वो छोड़ते नहीं है। गुरु पद ऊपर स्थान, वहां ले जाकर के उनके सूरज की डोर को बांध देते हैं, और जब वो शरीर पुराना हो गया और छोड़ करके जब गए तो वहां से सतलोक से बराबर आते रहते हैं। गुरुपद स्थान जो त्रिकुटी धाम के पास में है वहां तक आते रहते हैं, और जब तक उनके जीव सब के सब पार नहीं हो जाते तब तक बराबर उनकी संभाल के लिए उनको ले जाने के लिए आने रहते हैं। जब उनके जीव सब चले जाते हैं तब उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही कारण है कि गुरु महाराज ने ये कहा कि जरूरत पड़ेगी तो मैं 400 साल तक रहूंगा, जरूरत पड़ेगी। अब उनकी जरूरत क्या, संतों की क्या जरूरत होती है? हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारे काम, एक लक्ष्य कुछ है कि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हम करा दें। जीवात्मा को तुम्हारे घर जहाँ की आई है ईश्वर अंश जीवनाशी, इसको वहाँ पहुँचा दें, ये उनका काम होता है। जरूरत पड़ेगी 400 साल तक तो रहेंगे, और सारे के सारे जीव चले गए तो फिर उनको कोई जरूरत नहीं आने की। तो कहा गया जो केले के पास थे पास पास में पास, और क्यों संतों के बात के बात बात में बात, संतों के बातों में बात होती है हर कोई नहीं समझ सकता। यही कारण है कि संतों की लिखी हुई किताब, ये जो पुस्तकें हैं धार्मिक ग्रंथ, हर आदमी के समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उतनी योग्यता नहीं है। जैसे कोई 16 दर्जा पढ़ करके किताब लिखे तो 16 दर्जा पढ़ करके जब कोई दूसरा आएगा तभी उसको समझाएगा, 8 दर्जा पढ़ करके उसको कोई क्या समझा सकता है। यही कारण है। तो गुरु महाराज ने कहा सत्यु आएगा, गुरु महाराज ने ही नहीं कहा बल्कि लिम पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, शोर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की ओर या किताब में लिखा है कि सत्यु आएगा। अब सत्यु तो समय पर आएगा। आज आप सोचो कि अगर कल सतयुग ला दिया जाए तो आज आप लोग सतयुग देखने के लायक हो? अरे भाई आज मान लो झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं करते, आप किसी के अन्य बहन बहू बेटी को गलत नजर नहीं देखते हो, मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हो, दरवाजे पर कोई आ जाए रोटी खिला देते हो, पानी पिला देते हो, आप अच्छे हो, प्रतिष्ठित हो, आप सम्मानित हो, ऊंची जगह पर हो, लेकिन सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर यह ध्यान कर रहे हो पानी। सतयुग में तो योगी और विज्ञानी लोग होंगे, तो योग क्या आप करते हो? जितने भी सत्संगी हो आप समाज के लोगों से अपने को श्रेष्ठ मानते हो, ऊंचा मानते हो, और अपने समर्थ गुरु पर आपको भरोसा है कि हम इनके शिष्य हैं और हम कार्य धन में पुत्र में परिवार में ये बढ़ोतरी करेंगे और हमको ये पार कर देंगे, आपको गुरु पर भरोसा है, आप अच्छा उनसे मानते हो, लेकिन क्या आप गुरु के आदेश का पालन करते हो? उन्होंने कहा 1 घंटा सुबह शाम भजन करो और योग करो, अपनी यही आत्मा को जगाओ, तो क्या आप इस काम को करते हो? और अगर नहीं करते हो, अगर आप दुनियादारों जैसी दुनियादारी में फंसे हो तो आप ही कैसे सतयुग देख सकते हो? तो आप भी तो के अंदर कलयुग के लक्षण है, तो कलयुग तो जब जाएगा तभी तो सतयुग आएगा, तो कलयुग जाएगा तो रगड़ता ले जाएगा रगड़ता। अब जब सब चले ही जाएंगे तो यहाँ सतयुग का आनंद कौन लेगा? अरे पूरे इस गांव का, किशनगढ़ का आपको यानी 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी को मुखिया बना दिया जाए और कह दिया जाए सब ये आपका है, और ये धन और ये दौलत और ये रुपया पैसा और ये मर मिठाई और जितने सोने चांदी की दुकानें सोना चांदी ये सब आपकी हैं, आप मकान में रहो, रह पाओगे? 8 मंजिल की कोठी दे दिया जाए, 1 आदमी को कहा जाए इसमें रहो, अरे दूसरे दिन ऐसे उठ करके भर जाएगा। औरत और बच्चे ससुराल चले जाते हैं, मामा के यहाँ बच्चे चले जाते, 2 दिन भी नहीं रहने पाते, दौड़ करके जाते हैं, कहते हैं मन नहीं लग रहा अकेले इतने बड़े घर में। तो अब आप समझो कि ऐसे कैसे आपको आनंद मिलेगा? अभी तो लोगों को उसके लायक बनाया जा रहा है, लोग बन जाएंगे तो विवाह जाएगा, कैसा न जाए देवरिशमारी। और रही बात 400 साल जिंदा वाली, गुरु महाराज के जीव पहले ही निकल गए तो फिर गुरु महाराज को रहने की क्या जरूरत रहेगी? फिर तो वो दूसरे का काम रहेगा, दूसरे का दूसरा अपना काम करेगा। तो गुरु महाराज की बातों में बात, और यह है कि भ्रम अगर हो गया
तो फिर वो भ्रम बराबर बना रहता है। देखो ये रेल की लाइन है और रेलवे स्टेशन यहीं पर है, आप दक्षिण मुख करके रेलगाड़ी में बैठे और जहां आपको जाना है जिस स्टेशन पर, वहां पर रेलगाड़ी पूरब मुख करके अगर रुकी तो उतरोगे तो बहुत देर तक पूरब वही मालूम पड़ेगा, एक दो दिन तक पूरब वही रहता है। रात को जा रहे हो और कहीं देखो मिट्टी की ढेर लगी हुई है और अगर भ्रम हो गया कि आदमी बैठा हुआ है तो उसकी पगड़ी भी दिखाई पड़ती, हाथ पैर भी दिखाई पड़ता है, और अगर आपने टॉर्च जला दिया तो कहते हो ये तो मिट्टी की ढेर है। ऐसे सत्संगी भाई बहनों, जब अंधेरा रहता है तब भ्रम रहता है और उजाला हो गया तो भ्रम खत्म हो गया। गुरु महाराज ने आपको तरीका बता दिया कि आंख बंद करो और दृष्टि को एक जगह पर टिकाओ, उजाला मिलेगा आपको, गुरु महाराज मिलेंगे अंतर में, उनसे पूछ लो कि आप हो कि चले गए और आपका क्या आदेश है, वो सब आपको बताएंगे, बगैर पूछे भी बताएंगे। जैसे गुरु महाराज जब मौजूद थे और आप बहुत से लोग जाते थे, गुरु महाराज से आप अपनी बात कह भी नहीं पाते थे और गुरु महाराज ऐसे ही बता देते थे, बहुत से लोगों को सत्संग में ही जवाब दे देते थे, शंकाओं का पूरा पुलिंदा इकट्ठा करके लाए, चिट्ठी लिख लिख करके लाए, बाबा जी इसका जवाब दें, बाबा जी इसका जवाब दें, बुद्धि की पहलवानी करने वाले होते हैं ना, बुद्धि की पहलवानी करते हैं वो। जैसे कहते हैं ना कि कौवा बड़ा चतुर होता है, अब कौवा सुबह उठ करके क्या काम करता है मालूम है, उसको रबड़ी मलाई अगर रख दो तो वो नहीं खाएगा, और जो शरीर से निकाल के कहे आते हो उस पर वो चोंच मारता है। ऐसे ही बुद्धिजीवी लोग लिख लिख करके जाते थे बाबा जी के पास, लेकिन सत्संग में ही वो जवाब दे देते थे, सत्संग में ही, और लोग संतुष्ट हो जाते। तो अब आप इस बात को समझो, सब जवाब मिल जाएगा, फिर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, और नहीं अगर आप ध्यान भजन करोगे तो फिर कोई आएगा और कहेगा बाबा जी जिंदा हैं और चलो मैं दर्शन कराऊंगा, अब लखीमपुर चलो, सीतापुर चलो, शाहजहांपुर चलो, और वहां जब जाते हैं, जब पहुंचे तब कहा आज दर्शन नहीं होगा, पहली तारीख को होगा। अब पहली तारीख को जब गए तब बोले देखो आज नहीं हो पाएगा, पूर्णिमा को बिल्कुल पक्का दर्शन हो जाएगा, और 10-20-25 को कितनों को लेकर के आओ सबको दर्शन हो जाएगा, एक बार की दर्शन की गारंटी है, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। अब लौट करके जब आए तो वो शाकाहारी का प्रचार करना भूल गए और बस यही प्रचार करने लग गए, अरे बाबा जी प्रकट होंगे, मैं जगह देख करके आया हूँ और चलो हम तुमको दर्शन कराते हैं। अब सब चल पड़े, इसकी इच्छा नहीं होती है कि गुरु के आंखों से आंखें मिले और उनकी दया मिले, तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, एक बार अपनी नजर मिल जाती थी कितनी प्रसन्नता आ जाती थी, और अंकल में नजर मिल गई वो तो चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गया, अरे रूप तो इसी तरह दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दाढ़ी ऐसे ही, कपड़े ऐसे और शरीर भी ऐसा, लेकिन ना तो ये कपड़ा है ना ये दाढ़ी है और ना ये शरीर है, अरे वहाँ की तो शोभा ही न्यारी है। कहता खरबो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तो अब आप इस बात को समझो कि चल पड़ा आदमी, चलो भाई देखते हैं इसके पहने से, ये तो प्रचारक है बाबा जी का, पुराना आदमी है, अरे भाई इसने हमको भी रास्ता बताया और जो जैसे बताया हम जब चले हमको भी फायदा हुआ, मैं किसी वकील ने कहा, डॉक्टर ने कहा, अरे भाई मैं भी बाबा जी के पास गया और जब से लौट के आया तब से हमारे हाथ में जश हो गया और जिस केस को लिया जीत गया और जिस मरीज को लिया वही ठीक हो गया, चलो भाई चलते हैं, ये तो पुराना प्रचारक है और तू मेरे पास आया, चल चलते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तब वो लोग बोले देखो भाई कानूनी अड़चन आ गई, कानूनी अड़चन आ गई, पैसा इकट्ठा करो, जरूरत पड़ेगी तो केस करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो हड़ताल आंसन पर भी बैठना पड़ेगा, आदमी इकट्ठा करो। और वकील ने कहा भाई कौन सी कानूनी अड़चन आ गई, क्या हो गया, अरे बोले अभी आपको कुछ नहीं पता है, वो सब बिल्कुल हमको मालूम है, देखो आज दर्शन नहीं होगा, आप लोग जाओ खबर करेंगे। अब वहाँ कोई पानी खाना पूछने वाला तो मिला नहीं, जब लगी भूख और भूख लगती है और 2 घंटा लेट रोटी जब ले जाते हो तो भूख से व्याकुल आदमी थाली कटोरी फेंकने लगता है,
गाली बकने लगता है, दो घंटा भी जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ये आड़े करके भूखे जब लौटे तो उस पर बर्फ पड़े जो ले गया था। अब ये जो पढ़े लिखे लोग थे, सोचे कहीं कत्ल न हो जाए, मारपीट न हो जाए, तब इन्होंने समझाया, अरे भाई इसी की गलती थोड़ो है, कोई कहे कौवा कान ले गया और कान को नहीं देखोगे, कौवा के पीछे दौड़ोगे, अरे तुमको तो वही सोचना चाहिए कि बाबा जी चले गए, ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि भाई वो जिंदा है, ये तो इसके दिमाग की खुराफात, ये इसके तो दिमाग की खुराफात हो गई। अब जब वो लोग शांत हो गए तब इसको भी समझाया, अरे कहा जब तुझको रास्ता मिल गया भजन का, अरे तो तू भजन कर, गुरु महाराज अंतर में सब मिलेंगे, बताएंगे तुझको। हमारा भजन ध्यान करने लग गया, अम्मा उधर से हट गया, और सत्संग में जब आया और सत्संग जब सुना तब थक करके आया, और काश्रम निकल गया और रोया, और काश्रम निकल गया, अब दिमाग में कुछ नहीं रह गया। ऐसे ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने कहा माफ कर दीजिए, आपको मैंने बहुत गाली दिया। मैंने कहा भाई गोली तो नहीं दिया, गाली ही तो दिया, अरे गोली देते तो लग जाती, गाली तो मुझको कहीं लगी नहीं है। तुम तो पुराने चेला हो बाबा जी के, तुम तो प्रचारक हो, अरे भाई उनके मिशन को लेकर के आगे बढ़ो। तो बहुत से लोगों के समझ में तो आ गया, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं उनके समय में तो न आया और न आएगा। कोई आदमी सो रहा हो और उसको जगाओ तब तो वो जग जाएगा, लेकिन जग रहा हो और सोने का नखरा कर रहा हो तो उसको उठा लोगे ऐसे, पीठ पकड़ के खड़ा कर दोगे ऐसे, तो भी वो ऐसे 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 आपका नखरा करता रहेगा, देखता रहेगा, कुछ जगेगा नहीं जल्दी। यह है स्वार्थी, कैसे न स्वार्थी माना जाए इनको। जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा तो जो लोग गुरु महाराज को नहलाए धुलाए कपड़े में लपेट करके ले गए, सीता पर रख करके अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा जलाए, वही लोग कहने लग जाए गुरु महाराज जिंदा हैं और आएंगे, तो स्वार्थी न माना जाए और क्या माना जाए। जब लोगों ने जो सच किया तो वही लोग ये कहने लगे, अरे ये तो भाई अभी तो ये कह रहे हैं और बाद में कहेंगे हमको MLA बना दो, MP बना दो, जब हम विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे और वहां आवाज लगाएंगे तब बाबा जी मिले। आप इस बात को समझो, इस बात को आप समझो कि स्वार्थ परता में कहीं आप भी ना आ जाना, क्योंकि आते हैं, बताया लोगों ने कि आए और कहे, अरे बिल्कुल चेहरा बिल्कुल शरीर उसी तरह का, मैं देख के आया, बॉडी उसी तरह का, कद उसी तरह का, और आवाज तो बिल्कुल वही। दूसरा कोई आया पूछा उससे, भाई कहे अरे बिल्कुल, बस थोड़ा सा चेहरे में फर्क है, चेहरा उतर रहा है और कुछ दिन में चेहरा बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही। तो ये अपनी टीम बनाते हैं, टीम बुद्धि की पहलवानी की टीम बनाते हैं। दो आदमी पहुंचे राजा के यहाँ, तो बोले हमको रख लिया जाए, किस लिए रखा जाए भाई तुमको, हम बड़े काबिल हैं, काम के आदमी, हमको तनख्वाह दिया जाए, रहने की व्यवस्था कर दी जाए। अरे कौन काम के हो, कुछ बताओगे तो। एक ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, राजा ने कहा नहीं रखना है झूठ बोलने वाले को। दूसरे से पूछा तुझको क्यों रखा जाए, बोला मैं झूठ को सच करता हूँ। राजा ने कहा तुझको भी नहीं रखना है, तो मंत्री ने कहा विरोधाभासी है दोनों, तो सरकार इनका ट्रायल ले लिया जाए, देख लिया जाए कैसे झूठ बोलते कैसे सच करते हैं। झूठ बोलने वाले से कहा रेगिस्तान में, कहा कि बोल झूठ बोल, तो उसने कहा रेगिस्तान में हजूर काफिला ऊंटों का जा रहा था और पानी बरसा तो सब ऊंट जल करके मर गए। बोले ये कैसे हो सकता है, अरे कहीं आग में जी तो बरसा नहीं। अरे भाई ऊंट ऐसे कैसे, पानी से कैसे जल के मर जाएंगे ऊंट। तो दूसरे से कहा तू सच करेगा, अब देखो कैसे अकल लगा करके सच करता है वो, बुद्धि लगा करके। कहा बिल्कुल सच, बिल्कुल सच, ऊंटों के ऊपर चूना लगा हुआ था और ऊपर से पानी बरसा और चूना गर्म हुआ, बस सबूत जल के मर गए। तो चूना के ऊपर पानी डालो तो चूना तो गर्म हो ही जाता है, अब देखो कैसे अकल लगाया। ऐसे अगर अकल लगाने वाले आए और वो अपनी क्या कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, टीम। एक आदमी की कट गई नाक,
तो दूसरे ने कहा कैसे कर गए? बोले कट नहीं गए, मैंने नाव कटवा लिया है। अरे नाव कटवा लिया? नाव जैसी थी तुमने भैया को कटवा लिया? इसलिए कटवा लिया कि भगवान का दर्शन हो जाए। नाव कटाने से भगवान का दर्शन होता है? अरे नाव कटाने से आपको दर्शन हो रहा है? बोला तुझको क्या होगा, तेरे तो नाक है, तो भाई मैं भी कटवा लू। बोला देर तो करता है, बस गया और साफ करा के आ गया। बोला भाई हमको तो भगवान का दर्शन कहीं नहीं हुआ, कैसे होगा ये बताओ, तुमने मेरी नाक कटवा दिया। तब उसने टाटा बेवकूफ कहीं के, नाक कटाने से कहीं भगवान का दर्शन होता है? तब भाई तुमने मेरी क्यों कटवा दिया? अरे इसलिए कटवा दिया कि मुझको लोग नकटा कहते थे। मेरी पति थी तो मैंने सोचा तेरी भी कट जाए। तो भाई बहुत बुरा गलत किया तुमने, बहुत गलत काम किया। तब उसने कहा गलत किया या सही किया, अब तो तेरी कट गई मेरी भी कट गई, अब तू जा औरों की कटवा। बस 100, 200, 1000, 2000, 10000 नक कटा हो जाएंगे, एक दूसरे के लोग कटवाते रहेंगे, तो ये नाक वाले ही बदसूरत दिखाई पड़े, सुंदर अपने लोगों को ही लोग कहेंगे। तो अब आप समझ लो कहीं न कटर संप्रदाय में भर्ती हो जाए। इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि गुरु महाराज तो इस दुनिया संसार से चले गए और अब वो शरीर में आने वाले नहीं है, क्योंकि इस धरती का ये विधान है कि जो मनुष्य शरीर में एक बार आया और शरीर छोड़ करके गया, वो दोबारा तो मनुष्य शरीर में नहीं आया, तो अब वो आने वाले तो नहीं है, लेकिन वो आप सब लोगों के साथ में है और आप उनके बताए अनुसार चलोगे, ध्यान भजन एक घंटा सुबह शाम करोगे, लोगों को कराओगे, तो उनके दया का अनुभव आप सब लोग करोगे। पूरा आपके साथ है, बल्कि यूं कहो कि 30 गुना ज्यादा है ताकत गुरु महाराज की। जितने लोगों को आप लोगों को गुरु महाराज ने अपनाया है, नाम दान दिया है, उनके साथ वो ताकत है। अब आप इस बात को समझो, देखो मोटे मोटे बात मैं बताऊंगा। गुरु महाराज ने ये कहा था मेरे लिए कि नए लोगों को नाम दान देंगे और पुरानों के संभाल करेंगे, तो अब ये पुराने लोग आप मत सोच लेना कि मैं आपका गुरु बन गया। मैं तो आपका गुरु कभी बन ही नहीं सकता, गुरु आपके यही रहेंगे जिनके तस्वीर लगी हुई है फोटो, गुरु महाराज ही आपके गुरु रहेंगे। इसलिए इनको हृदय में बसाना, इनको मस्तक पर सवार रख करके चलना। इनको अगर आप नहीं भूलोगे तो ये आपको भूलने वाले नहीं है, ये तो आपसे ज्यादा आपको चाहते हैं। एक शायर हुआ जोक, तो जोक ने लिखा कि इश्क का रोके नजारा, मुफ्त में बदनाम है और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के। तो ये खुद बेताब है आपके लिए, क्योंकि आपने इनसे थोड़ा प्रेम किया और इन्होंने आपसे ज्यादा प्रेम किया है। लेकिन यह है कि इनको जल हृदय में बताओ और इनसे इनको याद करते रहो, प्रेम करोगे इनसे, यानी प्रेम उस तरह से करो कि जैसे अपने परिवार बच्चे से प्रेम करते हो, उस तरह से प्रेम करो, उसी तरह से इनको मान करके रखो, तो ये आप खैर सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे और आपका दुनिया भी बना देंगे और आपका जीन भी बना देंगे। अब रही बात ये कि गुरु महाराज जब मौजूद थे और जो काम आपका मेरे से करवाते थे बाहर से संभाल, वो तो सब मैं करता रहूंगा। गुरु महाराज ने हमको इस लायक बनाया है, गुरु महाराज ने हर तरह से सिखाया पढ़ाया है और इस लायक बनाया है। मैं तो सब 40 साल पहले जब गुरु महाराज के पास पहुंचा था तो कोई जानकारी नहीं थी संत मत की, कि संत मत क्या होता है, सदगुरु क्या होते हैं और सत्संग क्या होता है, आत्मा परमात्मा का भेद क्या होता है, मानव धर्म क्या होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम था। लेकिन गुरु महाराज ने एक एक चीज को बताया, समझाया, हर तरह की सेवा कराया, अपनी हर तरह की निजी सेवाएं भी की और उनका सेवा कराने सिखाने का तरीका भी अलग था। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जब गुरु महाराज के पास पढ़ाई लिखाई पूरी करके डिग्री डिप्लोमा लेकर के
यानी इधर आ गया गुरु महाराज ने खींचा, मैं ऐसे कौन आने वाला था, लेकिन गुरु महाराज ने खींचा किसी बहाने से अपने पास जब बुलाया। तो जब गुरु महाराज के पास पहुंचा तो सोचता था कि अच्छा कपड़ा पहने हुए हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो ये झाड़ू मैं कैसे लगाऊ, ये तो झाड़ू लगाने का काम किसी और का है। लेकिन जब देखा गुरु महाराज कुटिया से निकले और पत्तियां कागज के टुकड़े पड़े हुए और खुद अपने हाथ से जो उठाने लग गए, तब वो चीज खत्म हो गई। जब झाड़ू लेकर के नाली में पानी जम रहा है और खुद गुरु महाराज उसको साफ करने के लिए चले, तब हाथ से छीन करके उसको साफ किया, फिर कोई संकोच नहीं रह गया। छोटी से छोटी सेवा गुरु महाराज ने करवाई, हर तरह से सेवा करवा करके और सिखा दिया। एक आदमी यानी बम्बई के सेठ एक बार गुरु महाराज के पास पहुंचे और लौट करके जब वो गए, उनके दोस्तों ने कहा कि सेठ एक हफ्ता आप वहाँ बिगाड़े और आपने क्या देखा। तब उन्होंने कहा कि बाबा जी के पास अगर कोई एक महीना रह ले तो कभी भूखा नहीं मर सकता है। एक चीज तो ये देखा, कोई भी काम करके कहीं खा लेगा वो उसको, यानी ये नहीं रहेगा कि हम रोटी कैसे कमाएं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। एक चीज तो ये देखा। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि ये देखा कि बाबा जी के पास अगर यानी एक महीना यानी यहाँ के ये चले जाएं बदमाश लोग, तो वो सब माफिया और बदमाश ये सब साधु प्रकृति में आ जाएंगे, साधु जैसा हो जाएंगे वो। ये उन्होंने जो चीज बताया, तो बात उसको आपको समझो कि खाने पहनने का भी पूरा ध्यान रखा और दांत फटकार भी लगाया लेकिन टूटने नहीं दिया। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी लगाता है कि घड़ा बढ़िया सुंदर सुडोल बन जाए, लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि घड़ा कहीं टूट न जाए। गुर कुम्हार शिश कुंभ है और गड़ी गड़ काढ़ है खोर और अंतर हाथ सराय कर बाहर मारे चोर। इस तरह से किफायत करना गुरु महाराज ने किस तरह सिखाया कि दरवाजे से निकले बाहर और अनि कमरे से बाहर निकलते समय अनि बिजली का स्विच अनि बंद करके कर निकलते थे। और वही आदत मेरी भी बची। जब गुरु महाराज इस तरह से कर रहे हैं तो इस तरह से गुरु महाराज बहुत छोटी छोटी बातें शिक्षात्मक बातें बताते रहते। बेकार की बात कभी उन्होंने किया ही नहीं, हर बात में कुछ न कुछ शिक्षा मिलती थी। कभी यह भी सोचा करता था कि बढ़िया कपड़ा होना चाहिए मेरे पास भी और बढ़िया इंतजाम खाने पीने का और बढ़िया होना चाहिए। तो उस समय पर गुरु महाराज ने सुनाया है, कहा दादा गुरु, गुरु महाराज के पास गुरु महाराज जब रहते थे तो एक दिन दादा गुरु ने गुरु महाराज से कहा नाम लेकर के कि तुम इतना गंदा कपड़ा पहने हो, तुमने अपनी धोती धोई नहीं, इतना गंदा कपड़ा तुम धोती पहने हुए हो। कुछ नहीं बोले। फिर सवाल किया, धोया नहीं तुमने, इतनी गंदी धोती पहने हुए। तो हाथ जोड़े और बोले एक ही है, एक ही धोती है। तब उन्होंने तरीका बताया, कहा आधी धोती धो ले, साफ कर ले, साफ करके सुखवा ले और उसको फिर पहन ले और फिर आधी धो ले। अब आप इस बात को समझो कि कितनी मुफलिसी कितनी गरीबी में गुरु महाराज ने अपना जीवन बिताया और उसके बाद में फिर वो दौलत हासिल किया। अब वही बात एकदम दिमाग में आ गई और फिर हर चीज की इच्छा ही खत्म हो गई। फिर तो दो रोटी 24 घंटे में खाना और गुरु के सेवा में उसी तरह से लगे रहना, जैसे कहा गया कि भाव पीठ श्रेयो गुलाबी और स्वामी सर्व भाव छत्या। सूरज की रोशनी अनजाले में यानी लेना बहुत फायदेमंद होता है शरीर से, लेकिन सामने से नहीं पीठ से। जैसे घटस सप्त गुणम तैलम मदन न तो भक्षण, कहा गया पीठ से ज्यादा ताकत तेल में है लेकिन खाने में नहीं मालिश करने में लगाने में ज्यादा फायदा होता है। ऐसे ही भान पीठ से ये उरागी और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। स्वामी की जब सेवा करो, गुरु की सेवा सदगुरु की करो तो छल कपट दम्ब पाखंड सब एक तरफ रख करके फिर सेवा करो। उसी तरह से सेवा किया गुरु महाराज ने हर तरह की। जब काफिले में जाते साथ ले जाते, आश्रम की व्यवस्था बहुत सी देखा,
बहुत सी जिम्मेदारियां और उसको निभाया। गुरु महाराज ने विश्वास भी किया, लेन देन रुपए पैसे का गुरु महाराज के यानी गुरु महाराज ने जो दिया उसमें कोई मेहनत और ईमानदारी के अलावा कोई भी सोच नहीं। अब आप इस बात को समझो, कोई जमीन जायदाद नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया, कोई घरवाली नहीं लाया, बस निशाना केवल सेवा का बनाया। लेकिन कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आदमी के आता है। गुरु महाराज जब शरीर छोड़ करके चले गए तो आश्रम के कुछ लोगों को लालच हो गई कि ये धन ये संपत्ति ये मेरे पास ही होनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज को ये कह करके गए कि नामदान ये देंगे, पुराणों की संभाल ये करेंगे, नए को नामदान ये देंगे और संविधान में ये संस्था के लिखा हुआ है कि जो ये नामदान देगा वही अध्यक्ष होगा, तो कहीं ये अध्यक्ष न हो जाए, ये मालिक न हो जाए। तो उन्होंने अपनी कमेटी बना लिया 40-45 लोगों की, वो जो जैसे खुश होने वाला था उसको वैसा खुश कर दिया और सब लोग एक ही स्वर में बोलने लगे। और वो जो इस वक्त पर वहाँ मौजूद हैं सब लोगों ने ही सोच लिया कि मैं ही रहूंगा और रास्ते में अगर कोई आया तो रास्ते से हटा दूंगा। तब मैंने सोचा गुरु का नाम न बदनाम हो जाए, खलन कितना हो जाए, कहीं सफेद पगड़ी पर दाग न लग जाए। इसलिए जैसे गुरु महाराज ने छोड़ा, जब दादा गुरु का शरीर छोड़ा छूटा चिरौली में रहते थे तो गुरु महाराज के गुरुभाइयों ने भी यही बात आ गई थी, गद्दी और धन संपत्ति, तो गुरु महाराज सब छोड़ के चले आए। ऐसे मैं भी छोड़ दिया, निकल पड़ा। लेकिन यही आपका राजस्थान है, जैसे भरतपुर पहुंचा मुझसे से 2 घंटा जो खाली रहा होगा बस राजस्थान में हमारा आपका स्वागत है, राजस्थान में स्वागत है। लोगों ने गाड़ी अनिल आकर के खड़ी कर दिया और कहा आप काम करें। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो इच्छा तो कुछ हो नहीं रही, इच्छा तो हो नहीं रही,